बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, HBFC कंपनी की जानिब से नई खुशखबरी आ चुकी है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी HBFC की जानिब से घर उजाला स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत तमाम पाकिस्तानी मर्द ख़वातीन अपने घरों में जो है सोलर पैनल जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आप HBFC कंपनी से 3 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इस स्कीम के तहत कौन कौन सी सहूलियात आपको दी जा रही हैं और आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, सारी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले नीचे मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आपको 28 सितम्बर 2022 का जो लास्ट अपडेट है वो नज़र आ रही है, ठीक है। तो तकरीबन 3 दिन पहले जो है इस स्कीम का आगाज़ किया गया है HBFC कंपनी की जानिब से, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो घर उजाला स्कीम है, इस स्कीम के तहत पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की शॉर्टेज है, आपको पता है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, ख़ासकर जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो जाती है। तो अगर आप ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, तो अपने घर में आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। बहुत से ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं जिनके घर की आमदनी कम होती है, कोशिश उनकी ये होती है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है सोलर पैनल लगवा लें, तो फिर वो महाना किसके साथ पैसे अदा करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि अपने घर में आप जो है सोलर पैनल लगवा सके, तो आप HBFC कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पे ना लिखा है 3 किलोवाट से लेकर 20 किलोवाट तक की बिजली अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 3 लाख रुपए आप ले सकते हैं ये सोलर पैनल लगवाने के लिए, और मैक्सिमम जो है 30 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। 10 साल के अंदर अंदर जितने भी पैसे आप लेंगे आपने महाना किसके साथ वापस करने होंगे, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों, एक चीज आप नोट कर लें, 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। नंबर 1 पे ऑप्शन ये है कि आप HBFC कंपनी जो है इसमें अप्लाई करेंगे और HBFC कंपनी जो है ये आपके घर में आपको जो है इंस्टॉल करवा के देगी ये सोलर पैनल, ठीक है ना। तो ये खुद ही अरेंजमेंट करेंगे, खुद ही खरीदेंगे सोलर पैनल को अच्छी क्वालिटी के और आपके घर में इंस्टॉल करके आपको देंगे। जो भी एक्सपेंस होंगे, जितना भी पैसा खर्च होगा, वो आपने महाना किसके साथ HBFC कंपनी वापस करना होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप HBFC से कर्जा लेकर अपनी मर्जी के सोलर पैनल किसी भी कंपनी के खरीद के मार्केट से अपने घर में लगवा सकते हैं, ठीक है। तो जो कर्जा आप उठाएंगे आप महाना किस्त के साथ वापस कर सकती हैं इस कंपनी को, ठीक है। अब बहुत से दोस्तों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लें, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर HBFC कंपनी जो है काम कर रही है। ये सिर्फ घर बनाने के लिए आपको कर्जा फ्राहम करती है। घर के रिलेटेड कोई भी आपका काम है, यानी अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए कर्जा लेना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं। घर की खरीदारी के लिए आप कर्जा ले सकते हैं इस कंपनी से, या फिर दोस्तों अगर आप घर की रेनोवेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने ये स्कीम मुतारफ करवाई है HBFC कंपनी ने सोलर पैनल की, ठीक है। तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो जितना भी कर्जा आप लेंगे तो आपने जो है 6% पर अनम आपने इसके ऊपर फिक्स मार्कअप पे करना होगा, ठीक है। तो 6% आपने मार्कअप पे करना है, ये चीज आप नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पे कुछ इन्होंने सिक्योरिटी की लिखा है कि जो लोग भी कर्जा लेंगे उनको एज अ सिक्योरिटी कोई ना कोई चीज़ रखवानी पड़ेगी, यानी कोई ना कोई चीज़ आपको इस कंपनी के पास गिरवी रखवानी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत से बैंक हैं, जब आप कर्जा लेने के लिए जाते हैं ना बैंक के पास, तो बैंक ये कहता है कि ठीक है हम आपको कर्जा दे देंगे, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पर आप क्या चीज़ रखवाएंगे। तो बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी कागजात गिरवी रख देते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो सोना गिरवी रख देते हैं। तो कोई ना कोई चीज आपको गिरवी रखवानी पड़ती है बैंक के पास, या फिर सिक्योरिटी आपने जो है जमा करवानी होती है। तो इस कंपनी ने भी यहां पे अपने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, आपको कोई ना कोई चीज इनके पास रखवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये यह चीज़ आप नोट कर लें। अगर आप एक बंदा अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बंदा भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 2 बंदे मिलकर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 बंदे भी मिलकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तकाफल की अगर आप सहूलत लेना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगी। इंश्योरेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी आपको इस कंपनी से मिल सकती है, ठीक है। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है दोस्तों, ये आपसे चार्ज करेंगे, आपने प्रोसेसिंग फ़ीस भी इनकी अदा करनी होगी, ये नाकाबले वापसी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कर लें, 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है जब आप अप्लाई करेंगे 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त के ऊपर जो कार्रवाई वो मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर आपने सोलर पैनल के लिए अप्लाई किया है तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपके घर में इंस्टॉल करके आपको दिए जाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ आप नोट कर लें, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने करीबी किसी भी HBFC कंपनी की ब्रांच में जाएं, मज़ीद तफसीलात भी आपको वहाँ से मिल जाएगी और आपको जो भी आपके रिक्वायरमेंट है आप इनको बताएं कि मेरा इतने मरले के घर है, इतने वाट का जो है मैं सिस्टम लगवाना चाहता हूँ सोलर पैनल का, फलां कंपनी के मैं पैनल लगवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सारी आप इनको रिक्वायरमेंट बताएंगे, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ये कंपनी आपकी आपको सहूलत मैसर करेगी, आपको सर्विस देगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बैंक सिनो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें।